नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फो भारत के एक और नए मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। अभी तक हमने आपको कई देशों का सफर कराया, इस बार हम आपको एक देश का नहीं एक शहर का सफर कराएंगे, यानी कि वेनिस। वेनिस 117 अलग अलग द्वीपों में बसा हुआ शहर है, जो कि आपस में काफी खूबसूरत ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं। वेनिस इटली में स्थित है। यह शहर इतना बड़ा है कि इसे 6 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। विदेश घूमने जाने वाले लोगों की पहली पसंद वेनिस होता है। पेरिस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत शहर वेनिस है, और यह दुनिया का इकलौता शहर है जो कि पूरी तरह से पानी पर बसा है, जिसके चलते से यहाँ आपको सड़कों की जगह कैनाल्स देखने को मिलेगी और कार की जगह लग्जरी बोट्स। जैसा कि हमने बताया कि वेनिस 117 द्वीपों में बटा है और इसे जोड़ने के लिए बेहद शानदार 417 ब्रिजेस हैं, जिनमें से 72 पर आप जा नहीं सकते क्योंकि वे प्राइवेट ब्रिजेस हैं। वेनिस दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जहां एड्रेस नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी सड़क नहीं है। इसके चलते यहाँ पर काम करने वाले पोस्टमैन को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। वेनिस जाते ही आपको वहाँ पर कॉन्डोलास दिखेंगे। कॉन्डोलास पतली और लंबी नावें होती है, जो कि वेनिस में काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल में है। वेनिस में अभी फ़िलहाल 400 से ज़्यादा कॉन्डोलास मौजूद है। वेनिस का एक अजीब कानून यह है कि वहाँ पर कबूतरों को दाना खिलाना मना है। ग्रेजुएशन करने वाली विश्व की पहली महिला वेनिस में 1646 में पैदा हुई थी। वेनिस में काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है कार्निवल ऑफ वेनिस, जिससे कि वहां उसे देखने के लिए हर साल 1,80,00,000 पर्यटक आते हैं। यदि उसे साल भर के हिसाब से बांटा जाए तो एक दिन में 50,000। यह फेस्टिवल अपने मुखौटों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ इतने अजीब कानून है कि इन मुखौटों को पहनने के लिए भी एक ऐसा कानून है जो कि केवल 10 तरह के मुखौटों को ही अलाउ करता है। बाकी किसी भी तरह के मुखौटे पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाती है, और सज़ा भी इतनी अजीब कि 2 साल की जेल, बीच सड़क में लोगों के सामने पीटा जाना और एक बिजी स्थल पर खंबे से बांध दिया जाना। यहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा मुखौटा भी है, जो कि 1,61,00,000 रुपए से ज़्यादा महंगा है। इसमें काफ़ी बेशकीमती धातुओं जैसे कि सोने, हीरे, चांदी और भी कई तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। वेनिस में 450 से ज़्यादा महल मौजूद हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर दिखने वाला अगर कोई स्थान है तो वह वेनिस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है और वेनिस डूबता जा रहा है, जिसके कारण से इस स्थल की डिमांड कम होती जा रही है और यहाँ रहने वाले मूल निवासी भी इसे छोड़कर जाने लगे हैं। यहाँ 50 साल पहले 1,20,000 लोग रहते थे, लेकिन अब केवल 50,000 लोग रहते हैं। इंजीनियर इसे बचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बचा लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ रह रहे लोग 2030 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और यह एक बड़ा पार्क बन जाएगा। यहाँ लोग दिन में आएंगे और रात को चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस फैक्ट ने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं यह भी बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।